사익하는 길 내에서마다 जो आवे सत्संग में ताके कार्य होए सुंदर से जे भरम मिटे विघन न लागे होए। प्यारी साध संगत इन घड़ी में जे घड़ी में सा पान सबई उपस्थित थाओ यही वर्षी महोत्सव सतगुरु बाबा शिवानंद साहिब जी जो आवे सत्संग में ताके कार्य होए तमा पक समझो त जे घड़ी में इन सत्संग की घड़ी में पान सब उपस्थित थाओ त ये घड़ी असन की अजाई नथी बने और का बो ये वर्षी महोत्सव इन वर्षी महोत्सव में पहुंचन साई सजे एड़ी महापुरुषन की वर्षी आ एड़े महापुरुषन जो है मेलो आ जेमे असा जे कदम रखण से असा जे कार्य सब रास त थी बने बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय। बाबा श्री चंद साहिब की वाणी में यो फरमाया ला त शम धर्म आदरो सहनशील प्रतिपाल परोपकार मृदुल मन लक्षण संत दया संत महापुरुषन की महिमा कंदे बाबा श्री चंद साहिब जिन पेंजी वाणी में यो फरमाया वात है एक सतगुरु ही है कोई कामिल मुर्शिद या जेको पेंजे जग्यास मुझा सब संसार दूर कर सके तो संसारी भरम संसारी सवाल जेके साजे मन में पैदा थे अंतर केड़ी विषय जे बाबा वो एक सतगुरु ही शक्ति रखे तो वे जग्या सुन जो शंकाओं दूर रखण जो छो जो जेके कामिल महापुरुष हुंदा संत महात्मा हुंदा वे हर शंका का रहे तन हर शंका का वे दूर रहन था वे किए दूर रहन था छो जो उनन काफी हद तक परमात्मा के सुनातो ऐ परमात्मा के सुनाण खा पो उनन जे मन में जेके भी संसार जेके भी शंकाओं सब दूर थी वनन छे ए छो ना मत असली उस्ताद हुआ जेको पे जो हुनर विराए सही तरीके से असली महापुरुष असली सतगुरु हुआ जेको पे जो ज्ञान विराए जन में तो उन परमात्मा की पहचान रखण खा पो जने संतन महापुरुषन जा सब संसार दूर ता थी वन तो उन में यह शक्ति प्राप्त थे उन में यो ज्ञान प्राप्त थे तो जो वे पे जगह सुन जो भी सब शंकाओं दूर रखन दा ऐसा बाबा श्री चंद साहिब जिन पेंजी वाणी में संतन बाबा इो भी फरमाया वात है वो हमेशा दयालु बन संत महात्मा हमेशा दयालु रहन था दया कंदर रहन था हर प्रेमी जे मथा चाहे वो उन जो वेरी हो जे चाहे वो उन जो मित्र हो जे सब जे मथा उन जी सागी नजर रहे थी जैसा काफी समय पहले जी गलत है सतगुरु बाबा शिवजन साहिब जी समाधि आश्रम में विराजमान रहा रहा साहिब की घड़ी हली रही रहा साहब हली रहे होते अचानक काथो अची करे चोर घिरया दरबार साहिब के ऐ सतगुरु बाबा शिवजन साहिब जी के मथा उन हथियार धरे ऐ सजी संगत के चवण लगा देखो देखो कार्रवाई करण आया तो तमाम जेको कुछ भी ऐसा जो दई छरे पर उन घड़ी में रहा साहिब हली रहे तो साईं बाबा शिवजन साहिब जी ने फरमाया तो तुम रह सके नहीं जारी रखो रह सा गलो रहे उन्हें थे जो कुछ करो हुए करे हल्या व्या पर चंदन त जेको परमात्मा जो प्यारो आ जेको ईश्वर जो प्यारो आ जेको उन्हें जो उस्तति करे तो जेको उन्हें जो सिमरन करे तो परमात्मा उन्हें जो मतों आज भी बर्दाश्त नहीं करता तसा वक्त चर सा यो दिखो से था उन्हें जी डाटी बुरी हालत थी वो के होया वेरी होया वो होया सतगुरु जा वेरी और उन्हें बावजूद भी उन्हें के हिंदर दर्ता माफी मिली हुई ऐसा ही तरीके सा जेको संतन महापुरुषन मित्र हुंदवा मतलब प्यारो हुंदवा उनके मथा तो उन्हें सदाई दया दृष्टि रहमत हमेशा कायम रह दिया लक्षण संत दयाल वो हमेशा दयालु
लक्षण चइबो आहे कर्मन खे, लक्षण खे करतूत खे लक्षण चइबो आहे उनखे। लक्षण संत दया, त संत महापुरुष हमेशा दयालु रहनि था, चाहे उन्हनि जो उहो वेड़ी हुजे, चाहे मित्र हुजे, उन्हनि जे मथां उन्हनि जी साॻी नज़र रहे थी। परोपकार मिलदुल मन, उन्हनि खे परोपकार सां तमामु घणो प्यारु रहे थो। ॿियनि जी पिण पालना करण में उन्हनि खे आनंद अचे थो, उन्हनि खे मज़ो अचे थो। हिकु समय जी ॻाल्हि आहे त समाधा आश्रम में हिकु ग़रीब आयो, पुराणे समय जी ॻाल्हि आई आहे, तक़रीबन 1970-75 जी। त हुन प्रेमी जी घर में गुरबत हुई, त हुन सतगुरुनि खे वेनती कई त साईं मुंहिंजे घर में न्याणी जी शादी आहे, तव्हां मुंहिंजे मथां रहमत कयो त जीअं न्याणी जी शादी बि सुख सां थी वञे, मुंहिंजे घर में ग़रीबी आहे, तव्हां महिरबानी करे पंहिंजे प्रेमियुनि खे चयो त झोली करनि हिते। त साईं उहा जिन हुकुम कयो कंहिं शेवादारी खे, त हिन जे लाइ तव्हां झोली कयो। ऐं सभ खां पहिरियों साईं बाबा जन पंहिंजो बरकत भरियो नोट विधो हुन झोली में। ऐं ॾिसंदे ॾिसंदे उनखे एतिरी बरकत पई हुई झोली में, जो हुनजी न्याणी जी शादी बि सुख सां थी वई, बल्कि उहो पंहिंजो खेत कमाई सां धंधे में बि लॻी वियो। त हुनखे परोपकार सां बि आनंद अचे थो, ॿियनि जी पालना करण में बि हुनखे आनंद अचे थो। सहन शक्ति वारा रहनि था उहे संत महापुरुष, शीलवंत रहनि था। सहन शक्ति वारा कीअं था रहनि? शुरू में असां चयोसीं त समधम, समधम जो मतिलबु आहे खिमिया कंदड़, माफ़ी ॾींदड़। ऐं साॻियो ई कर्म असां समाधाश्रम जी छई पातशाही सतगुरु बाबा शिवजन साहिब जन में ॾिठोसीं त हिते पुराणे टाइम में कुझु शेवादारी रहंदो, जेको दरबार साहिब जा सभु सामान संभालंदो हुयो, भंडारे साहिब जा थी विया या जेकी बि ज़रूरतमंद जेके बि शयूं आहिनि उहो शेवादारी ते संभालंदो। त हिकु प्रेमी आयो, हुन शेवादारी खे चवणु लॻो त महिरबानी करे मूंखे तव्हां टॉवल ॾियो त मां सनानु करे अचां। त हुन हुनखे ॾेई छॾियो, छो जो हुनजो इहो कमु हुयो शेवा करणु। त हुनखे उहो जो टुवाल शेवादारी खे मिलियो इस्तेमालु करे पाण सां गॾु निकितो खणी हलियो वियो। त जीअं हुन शेवादारी ॾिठो त दरबार साहिब जो टॉवल आहे हिनखे ॾिनो आहे असां, ऐं इहो खणी हलियो थो वञे ॿाहिरि, तूं कढणु लॻो कढणु लॻो त हुनखे पकड़े आयो वापसि, त वेंदे आहे दरबार साहिब जो सामान खणी थो वञे चोरी करे। त हुन सां ग़लति बर्ताव हुन कयो, ग़लति अल्फाज़ ॻाल्हाई, हथ खईं, त शोर थी वियो हुते। शोर थियण खां पोइ सतगुरु बाबा शिवनंद साहिब ॿाहिरि निकिरी आया। ॿाहिरि जे निकिरी आया त हुन प्रेमी खां पुछणु लॻा त छाजो शोर आहे, छाजो इहो बोर्ड लॻो पियो आहे? त हुन सॼी कहाणी ॿुधाई, हुनखे दरबार साहिब जो असां टॉवल ॾिनोसीं खणी हलियो इस्तेमालु करे। त जेको महिमान हुयो जंहिं सवालु कयो उनखे साईं जन ॿुधो, तूं अचु असांजे कमरे में, कमरे में घुराए करे हुनखे पखर बि ॾिनऊं ऐं ख़र्ची बि ॾिनऊं। जेको शेवादारी हुयो उहो ॾिसणु लॻो ऐं साईं खे वेनती करणु लॻो, साईं असां त हिते दरबार साहिब जो सामान पहुचायूं था, चोरी करियो, तव्हां वरी हिनखे पखर विझो था, हिनखे तव्हां ख़र्ची ॾियो था। त साईं जन हुनखे छा वचन फरमाया त जेकॾहिं असां ई हिनखे अहिड़ो वर्ता रखंदासीं त इहो पंहिंजी आदत कीअं छॾींदो? जीअं असां कल्ह ड्रामे में ॾिठोसीं त समाधा अकेडमी जेको हिते ड्रामो पेश कयो, उनमें असां इहा ई ॻाल्हि ॾिठीसीं त सतगुरु बाबा शिवनंद साहिब जन काफ़ी प्रेमियुनि खे धर्म बि बचायो, जेके धर्म मटाइण वारा हुया उन्हनि जी बि उन्हनि रक्षा कई। त हुन प्रेमी खे साईं जन चवणु लॻा त जेकॾहिं असांजो हिननि सां इहो दरबार साहिब में वर्ता रहंदो त इहो इहो चोरी जूं आदतूं कीअं छॾींदो? त शम धम जेके इहो कर्म आहे, इहो असां सतगुरु बाबा शिवनंद साहिब जन में ॾिठोसीं त उहे हमेशह खिमा कंदा रहिया, माफ़ी ॾींदड़ हुया। संतनि जी जेकी महिमा आहे, महापुरुषनि जी जेकी महिमा आहे, उनखे असां केतिरो बि ॻाईंदासीं उहा घटि आहे। उन्हनि जी उस्तति ॻाइण, हीअ ज़बान थकी पवंदी पर उनजी उस्तति खुटंदी न कॾहिं बि। साहिब जी बाणी आहे त
संत की महिमा भेद न जाने देता जेता सुने देता बख्या ने इन जबान के कें भी वेद के इतनी शक्ति ना है जो संत महापुरुषन की महिमा बयान कर सकन सतगुरु बाबा शिवनंद साहब जी की महिमा बयान कर सकन अज तो ये यारी वर्षी है पर तो पक समझो जो 150 साल वर्षी साहब थी भी साईं बाबा शिवनंद साहब जी की महिमा खत्म नहीं थी भाई बाणी में फरमायो आ त संतन जी जेकी महिमा है उहा परमात्मा का घट न है पर केड़ा संत महापुरुष जिन के ॾिसण सां असां खे भगवान याद अचे बाज़ार खां पहिरियों जेकॾहिं कोई भी इहा असांजो पंहिंजो अनुभव आहे इहो असांजो पंहिंजो तजुर्बो आहे त कंहिं बि प्रेमी खे केतिरी बि परेशानी जेकॾहिं हूंदी हुई जॾहिं साईं बाबा शिवनंद साहिब जी जे कमरे में उहे दाख़िल थींदा हुआ उन्हनि जो दर्शन कंदा त उनजे दिलि खे इहो आथत थी वेंदो त मूंखे भॻवानु मिली वियो उन्हनि जे दर्शन सां ई असांखे परमात्मा यादि अची वेंदो हुयो इहा हिकिड़े महापुरुष जी निशानी काफ़ी टाइम पहिरियों कोन प्रस्थान जी असां तव्हांखे ॻाल्हि था ॿुधायूं त 40 साल जा ॾींहं हली रहिया चालीह साहिब जे दौरान साईं बाबा जन के कारण चालीहो साहिब कोलपुर आस्थान ते मल्हाईंदा हुया त चालीह साहिब जे दौरान साईं बाबा शिवनंद साहिब जन खे काई तकलीफ़ थी पई ऐं साईं बाबा जन खे शुगर जी तमामु घणी पुराणी तकलीफ़ हुई त जंहिं कारण उहो ज़ख़्म जेको साईं बाबा जन खे थी पियो उहो वियो वरितो त चालीह साहिब जे दौरान डॉक्टरनि साईं बाबा जन खे इहा वेनती रखी त साईं तव्हांखे कराची वञिणो पवंदो डॉक्टर खे ॾेखारण जे लाइ त पहिरियों त सतगुरु मञनि न पिया छॾियो चालीह साहिब हली रहियो पर जीअं वरी तकलीफ़ वधी तीअं प्रेमी गॾु थी करे साईं बाबा जन जे चरननि में वेनती रखी था साईं चालीह साहिब ई हर साल मल्हाइबो आहे तव्हांजी सिहत खां मथे कुझु बि नाहे त वेनती रखण खां पोइ साईं बाबा शिवनंद साहिब जन चालीह साहिब जे दौरान रवाना थिया कराची जे लाइ ऐं असां तव्हांखे हिकु ॻाल्हि ॿुधाए छॾियूं त समाज आश्रम में जेको चालीह साहिब जो नेम आहे उहो पंजे पातशाही बाबा गोविंद भजन साहिब जन खां वठी मल्हाइजे थो त जीअं साईं जन रवाना थिया कराची जे लाइ त कराची में हॉस्पिटल OMI उन में दाख़िल थिया इलाज हलंदो रहियो चालीह साहिब जी साण चालीह साहिब जा बि ॾींहं हलनि पिया इलाज हलंदो रहियो अचानक कंहिं ॾींहुं अची करे बारिश पई एतिरी तेज़ बारिश पई जो हॉस्पिटल में जंहिं रूम में साईं बाबा जन दाख़िल हुया जंहिं रूम में साईं बाबा जन एडमिट हुया हुन रूम में हिकु मख अचण जी बि जॻह न हुई सभु दरियूं बंदि सभु दरवाज़ा बंदि इन कारण बि उन रूम में पाणी अची वियो लाल साईं जे रूप में साईं बाबा जन खे चवणु लॻो त जेकॾहिं तव्हां असांखे न छॾियो त असां बि तव्हांखे न छॾियो काफ़ी प्रेमी ईअं चवंदा आहिनि त साईं बाबा शिवनंद साहिब जन हुया मर्द न मरण करे हू जे थिया हक़ अंधा हाणनि शक असी न ॻाल्हि ते उहे कॾहिं मरी नथा सघनि मौजूदु आहिनि हमेशह असांजे विच में मौजूदु आहिनि हिते मर्द कंहिंखे चइजे थो जेको बलवान हुजे जेको ज्ञानी पुरुष हुजे जंहिं पंहिंजे सभु जॻहि असांजा कारज रास कया हुजनि उनखे चइजे थो हिते मर्द त मर्द न मरनि कॾहिं हू जिते आहे पर अंधाणनि शक असली न ॻाल्हि उन्हनि जे मन जे अॻियां उन्हनि जी अखियुनि जे अॻियां हिकु अंधारो आहे जेके सम्झनि था त सतगुरु बाबा शिवनंद साहिब जन असां खां दूर आहिनि असांजे विच में न आहिनि असांजे विच में वेठा आहिनि
कामिल मुर्शिद कामिल सदगुरु उहे कॾहिं बि पंहिंजी संगत खां अलॻि नथा रहनि बल्कि उहे सारिक रूप छॾे करे पंहिंजी संगत जे रूप में समाइजी वञनि था पंहिंजे आस्थान जे रूप में समाइजी वञनि था उहे कॾहिं बि संगत खां अलॻि नथा थियनि 1951 में साहिबान गदी विराजमान थिया 1951 18 साल जी उमिरि में गुरु अमरदास साहब 72 साल जी उमिरि में उन्हनि शेवा चालू कई पंहिंजे गुरुदर जी 12 साल उन्हनि पंहिंजे सतगुरुदर जी शेवा कई 83 साल जी उमिरि में उन्हनि खे सतगुरु जी तरफ़ां रहमत थी 12 साल जेके उन्हनि शेवा कई पंहिंजे जटाऊं किलनि सां ॿधण ऐं सतगुरु दर सां जेकी बि उन्हनि खे पखर मिलंदी 12 साल जे दौरान उहा पखर लाहींदा न हुया कॾहिं बि उहा पखर उन्हनि खे सदा फातल हूंदी त इहा छा वीचार रखी करे त इहा मुंहिंजे सतगुरु दर जी पखर आहे इहा मूंसां मूंखां इहा अलॻि न थिए इहा मुंहिंजे सतगुरु दर जी रहमत आहे इहा हूंदी आहे शेवा इहा हूंदी आहे भावना त साॻी शेवा अॼु असां ॾिसंदा आहियूं असांजी शेवा भावना नज़र घटि ईंदी आहे तव्हां इहे पक सम्झो छो जो अॼु असां हिन मौक़े ते वेठा आहियूं असां इहा ॻाल्हि ॿुधाइणु तमामु ज़रूरी सम्झासीं त सभ खां जेको उत्तम कर्म आहे असांजे जीवन में उहो आहे पंहिंजे गुरुदर जी शेवा सतगुरुदर जी शेवा हिन खां उत्तम कर्म ॿियो कोई बि न आहे असांजे जीवन में उन मां ई असांखे हिकु अहिड़ी जुक्ति प्राप्त थिए थी जो असांजो जीवन हिकु सिध रस्ते ते हली पए थो 1951 में साईं बाबा शिवजन साहिब जन गदी विराजमान थिया 2008 जी 18 मार्च उन्हनि पंहिंजो शारीरिक रूप त्यागियो उन खां पोइ संगत जे रूप में उहे समाज जीअं अमर थी विया ऐं अॼु पोइ साल असां जी ॻाल्हि कईसीं त साईं बाबा जन खे अॼु 11 साल थी विया असां सां गॾु रहंदे अलॻि न गॾु रहंदे पोएं वरसी ते 10 साल हींअर 11 साल त उहे प्रेमी जिन जे मन में इहा शंका पैदा थिए थी त महापुरुष सतगुरु जॻहि सां अलॻि थी वञनि था उन्हनि जी भुल उनजी श्रद्धा में किथे न किथे कमी आहे जेके पाण खे सतगुरु खां अलॻि सम्झनि था नानक साध खे बि भेद न भाई महापुरुषनि में ऐं परमात्मा में कोई बि फ़र्क़ु न आहे उहो छो न आहे छो जो उहे सॼो जीवन परमात्मा जी उस्तति ॻाइनि था ऐं उन्हनि जे तरफ़ां ई संतनि महापुरुषनि खे रहमत बख़्शीश थिए थी जो जेको उहे पंहिंजे मुख वचन में फरमाइनि था उहो कूड़ नथो थिए उहो सच थी वञे जे साईं बाबा शिवानंद साहिब जन जेको बि पंहिंजे मुख ते फरमाईंदा हुया उहो हमेशह सच थी वेंदो कॾहिं बि उहो कूड़ न थींदो हुयो काफ़ी प्रेमियुनि जा उन्हनि वचन वचन सां लिखी लिखी कार्य रास करे छॾिया अॼु बि असां ॾिसंदाऊं कल्ह बि असां हिते स्टेज ते इहो ई ॾिठोसीं त हे जेके कहाणियूं असां लिखियूंसीं स्टेज ते कल्ह बि सच हुयूं साईं बाबा शिवजन साहिबनि जे जीवन में जिन बि प्रेमियुनि जा कल्याण थिया उहे सभु असांखे ॿुधण लाइ हिते मिलनि था त शुरू में जेकी असां ॻाल्हि करे वियासीं त उनजी महिमा कॾहिं बि खुटड़ी न आहे ऐं उन्हनि महापुरुषनि जी वसी महोत्सव ते असां सभु इकठा थिया अॼु 11 वर्सी महोत्सव सतगुरु बाबा शिवजन साहिब जन जी इन वर्सी साहिब ते हिन शुभ मौक़े ते असां वधीक कुझु न चवंदे सतगुरु जे चरण में सीस झुकाईंदासीं ऐं तव्हां सभिनी प्यारनि वास्ते इहा अरदास कंदासीं त तव्हां सॼी संगत हमेशह ख़ुशि ख़ुशहाल आबाद रहो साण तव्हां सॼी संगत खे समाधा परिवार सिंध बलोचिस्तान समाधा परिवार हिंदुस्तान तव्हां सभु माताऊं भेनरूं भाइर सॼी संगत खे 11 वर्सी महोत्सव सतगुरु बाबा शिवजन साहिब जन जो पूज समाधा आश्रम शिकारपुर जे तरफ़ां
लख लख वाधायूं, लख लख वाधायूं। जिसका सतगुरु कामिल होवे जिसका तारीख खता न खावे उन जगह से मथा को कष्ट अचो ही ना जो सतगुरु बाबा शिवजन साहिब समाधि वालों जिसका सतगुरु कामिल होवे जिसका तारीख खता न खावे वो कदें भी खता न तो खाई सके चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो जिबानी हो चाहे वो विचार की हो या चाहे जिस्मानी हो कई भी खता हो जीवन में नी अचे छोजो उन्होंने सजो जीवन संग की शेवा में गुजारो साण ये वर्सी साहेब हमेशा खुशी जो मौका खड़ी दिया हिं वर्सी साहेब के विचोली समाप्त थे सुबह भोग साहेब एक दिन का होली रंगन जो त्योहार पर असाखे यह हमेशा पक होंगी तो जो होली जो रंग हों सभी के चेहरे में मथे ना आखिर वो रंग लही वो अस स्नान कदासी दिन हलो पीन हलो पंज दिन का लही वो अड़ो रंग असें मन के मथा चाढ़े छो अड़ो रंग असें विचार के मथा चाढ़े छो जो कद भी न रहे वो रंग तदे चढ़ो जैसे अस सतगुरु के सिमर में रहता सतगुरु दर की शेवा में रहता होली जुदी सारी संगत के सब का पे होली जो बाधाय तींदे होली जो बाधाय दींदे तारी संगत जो आमद जो इजहार कदे तारी आमद चाहबो खुशामदीद तारी संगत जो आमद कदे उन समाधा मंडल सिंध बलोचिस्तान जे शेवादारी वसी महोत्सव से शेवा कर रहा सतगुरु की रहमत से धन उनकी शेवा उनके असा कदें भी न विसारे छोजो उन्हें शेवा के कारण ही सब का पे सतगुरु की रहमत उन शेवादारी की शेवा ये ब उत्तम कारण होंगे वर्सी महोत्सव के आनंद भर बराण में तो उन्होंने कदें भी न विसारे इन ईंदड़ होली जो तारी संगत के लख लख वाधाय सतगुरु के चरण में सीस झुकाईंदे उनके चरण में या वेनती कंदे सजे विश्व वास्ते या प्रार्थना कंदे तो सजे विश्व जो कल्याण थे हमेशा हर परिवार में खुशियों का मौका इंदा रहन तवा सजी संगत हमेशा खुश रहो खुशहाल रहो आबाद रहो सजी संगत के जय समाधान गांधी।